नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी? तो आज हम करने वाले हैं योग अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए। जो भी लोग अपने लिवर को डिटॉक्स करना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट वीडियो है। साथ के साथ अगर आपको लिवर से जुड़ी कोई समस्या है, जैसे कि फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस या कोई इन्फेक्शन, तो भी आपके लिए ये वीडियो है। लिवर एक वाइटल ऑर्गन है, यानी कि महत्वपूर्ण अंग जो बहुत ही ज़रूरी काम करता है। इसको स्वस्थ रखना जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना। लिवर हमारे राइट साइड में दाईं तरफ पसली के अंदर इस जगह पर होता है, डायफ्राम के नीचे। इसका वजन 1 से 1.5 किलो हो सकता है। हमारे शरीर की सबसे बड़े ऑर्गन इसको कहा जाता है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही होता है। खास बात लिवर की ये होती है कि ये खुद रीजनरेट करता है अपनी सेल को और बहुत हाई रेट पे करता है। तो जिन लोगों का लिवर डैमेज है, जिन लोगों को सिरोसिस की प्रॉब्लम है, वो घबराएं नहीं, क्योंकि लिवर अपने आप को हील बहुत आसानी से करता है अगर आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। वैसे तो लिवर बहुत सारे काम करता है, लेकिन 4 बड़े फंक्शंस है लिवर के जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। पहला ये कि ये बाइल जूस बनाता है। जब बाइल जूस निकलता है तो वो हमारे फैट को, हमारे चिकनाई वाले भोजन को बचाता है, जो कि बहुत ज़रूरी फंक्शन है मेटाबॉलिज्म के लिए। दूसरा काम ये करता है डिटॉक्सिफिकेशन का। हमारे शरीर में जो भी हम दवाइयाँ खाते हैं उससे जो जहरीले पदार्थ बनते हैं, वेस्ट मटेरियल बनता है, उसको ये शरीर से बाहर करने में, एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है और फिर वो यूरिया यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से पास होती है, बाहर निकलती है। तीसरा काम ये करता है हमारे शरीर के काफ़ी सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे लड़ने में, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथा काम ये करता है 2 हार्मोन्स बनाने का। और भी हार्मोन्स बनाता है, बट 2 हार्मोन्स IGF-1 और एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन। तो ये पहला जो हार्मोन है IGF-1, ये सेल ग्रोथ यानी कि कोशिकाओं के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा होता है एंजियोटेंसिनोजन, जो हमारे किडनी में सोडियम और पोटेशियम को नियंत्रित करता है, जिससे हमारा रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मैनेज होता है। तो ये इसके बड़े बड़े काम है जो ये मैनेज करता है। शरीर के ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए लिवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब मैं आपको कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण बताना चाहूँगी। ये तब होते हैं जब हमारे लिवर को कोई परेशानी होती है, उसको कोई डैमेज होता है, और वो थोड़े छोटे लक्षणों से शुरू होता है और कुछ गंभीर लक्षण होते हैं, जैसे कि आपको थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, आपको भूख कम लगती है, आप जैसे ही कोई चिकनाई वाला खाना खाते हैं वो पचता नहीं है, आपकी जो त्वचा है वो पेल रंग की हो जा पेल नज़र आती है, फीकी नज़र आती है। जब एक्सट्रीम हो जाता है तो वो पीले रंग की नज़र आती है। आपकी आँखों का जो सफ़ेद हिस्सा है वो पीला हो जाता है, नाखून पीले हो जाते हैं। ये तब होता है तब जब आपका जॉइंडिस होता है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊँगी। इसके अलावा अगर आपकी यूरिन डार्क कलर की होने लगती है तो वो निशानी है कि आपके लिवर को दिक्कत है। आप जो स्टूल पास करते हैं वो पीले रंग का या फीके क्ले मिट्टी जैसे रंग का निकलता है, तो भी आपको लिवर की समस्या हो सकती है। साथ में जिन लोगों को स्किन पे दाद खुजली की बहुत शिकायत रहती है वो भी हो सकता है, क्योंकि वो लिवर के कारण होता है। इसके अलावा स्पाइडर वेन्स की शिकायत होती है, इसमें आपके स्किन पर जो आपकी नसें होती हैं, जो आपकी वेंस होती हैं, वो दिखने लगती हैं और मकड़ी के जाले की तरह लाल रंग की। आप अगर पिक्चर में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा। तो ये भी तब होता है जब आपके लिवर में कोई दिक्कत होती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, पर सारे सिम्टम्स एक बीमारी नहीं होते हैं। लिवर में कमज़ोरी की भी कई सारी बीमारियाँ होती हैं जब ये सिम्टम्स होते हैं। मैं कुछ बीमारियों को आपको यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी। पहली है इन्फेक्शन, जो आपको जब लिवर में होता है, और ये होता है जब आप वायरस के कांटेक्ट में आते हो, हेपेटाइटिस A, B, C तीनों, जिसकी वैक्सीनेशन भी होती है। दूसरी बीमारी होती है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस में क्या होता है, आपकी जो लिवर सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो मरने लगती हैं, डैमेज होने लगती है। तीसरा होता है फैटी लिवर। फैटी लिवर में क्या होता है, आपके लिवर में जितनी चर्बी, हर किसी के लिवर में चर्बी होती है, लेकिन अगर वो चर्बी अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाए तो उसको कहा जाता है फैटी लिवर। ये तब होता है जब आप ओबेसिटी से ग्रसित हैं या फिर आपको डायबिटीज़ 2 की समस्या है। तीसरी बीमारी होती है जॉइंडिस। हम सब इसके बारे में जानते हैं। इसमें बिली रूबिन नामक एक पीला पदार्थ होता है जो शरीर में बनता है,
और लिवर उसको हमारे शरीर से क्लीन करता है। अब अगर लिवर अच्छे से काम नहीं करेगा तो वो पीला पदार्थ हमारे शरीर में, हमारे खून में इकट्ठा होने लगता है। इसीलिए आँखों का रंग, नाखून, आपकी स्किन जो है पीले रंग की दिखती है। इसीलिए इस बीमारी को जो नॉर्मल भाषा है उसमें पीलिया भी कहा जाता है। तो जॉइंडिस एक बीमारी है। और पांचवी बीमारी है गॉल ब्लैडर स्टोन्स। बहुत ही कॉमन है, उम्र के साथ बहुत से लोगों को गॉल ब्लैडर में पथरी का प्रॉब्लम होता है। इसका भी एक ही कारण है, जब आपके शरीर में बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो आपके शरीर में गॉल ब्लैडर में स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला आसन हम करेंगे पश्चिम उत्तान आसन, जिसके लिए हमें दंडासन में बैठना है। बहुत ही अच्छा आसन है, लिवर के साथ साथ किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जो भी एक आसन होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही ऑर्गन पे काम करता है। मैं आपको वो आसन बता रही हूँ जो आपके लिवर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो पश्चिम उत्तान आसन में आप इस तरीके से पहले दंडासन में बैठ जाएंगे, टोज हमारी तरफ रहेंगे। अगर आप इस तरीके से सीधे अपने घुटने नहीं रख सकते हैं तो हल्का सा आप मोड़ लें। आप अपने शरीर को पेन नहीं देंगे, पूरा रिलैक्स होके करेंगे। पश्चिम उत्तान आसन को करने के लिए आप अपने टोज को अपनी तरफ रखें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो दोनों हाथ हैं, सांस पहले भरें और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और फिर एक्सहेल करते हुए, सांस को छोड़ते हुए हल्के हल्के हम नीचे आएंगे इस तरीके से। यहाँ पे रुके 5 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5 सांस भरें और एक्सहेल करके दोनों हाथ नीचे। 3 बार करना है, 2 बार और कर लेते हैं। सांस भरें, एक्सहेल नीचे, 1, 2, 3, 4, 5 सांस भरें, एक्सहेल नीचे। 3री बार कर लेते हैं, सांस भरें, एक्सहेल नीचे, 1, 2, 3, 4, 5 सांस भरें, हाथ ऊपर, एक्सहेल नीचे। तो हम 3 बार करेंगे, आप 5 ही जगह 10 सेकंड रुक सकते हैं, पर 3 बार करने आपके लिए काफ़ी है। दूसरा आसन जो है वो है भुजंग आसन। बहुत ही आसान है, जिसमें आप पेट के बल लेटेंगे। तो इसमें जो दोनों हाथ होते हैं उनको हम अपनी छाती के बिल्कुल बगल में रखते हैं। ये आसन भी हम 3 बार करेंगे। तो क्या करना है, हथेलियों को अच्छे से जमाएं, ये कंधों को पीछे रोल करें इस तरीके से। ये देखिए, गर्दन की तरफ ऐसे ना रहने दें, इससे आपकी गर्दन में पेन होगा। तो एक सांस भरें, इनको खोलें पहले, इनको शोल्डर ब्लेड्स कहते हैं, और सामने देखें, ठीक है। इसके बाद हथेलियों पर वजन डालते हुए हल्के हल्के अपनी ऊपर वाली जो बॉडी है, शरीर है, उसको हल्के हल्के रोल करके उठाएंगे। सिर्फ यहाँ तक आ जाएं, रुकेंगे यहाँ पे 1, और यहाँ पे सांस लेते रहें, ठीक है। 2, 3, 4, 5 एक लंबा सांस भरें, छोड़ते हुए नीचे, 2 बार और, शोल्डर ब्लेड पीछे, सांस भरें, रुके यहाँ पे, सांस लेते रहें, 1, 2, 3, 4, 5 सांस अंदर और एक्सहेल नीचे, धीरे धीरे आए। 3री बार कर लेते हैं, पैरों को पीछे देखिए, टाइट और एक्टिव रखना है, ये ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5 सांस अंदर भरे और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आ जाएं नीचे, वेरी नाइस। अब यहाँ से ही हम करेंगे सलभ आसन, लोकस्ट पोज। दोनों हाथों को आगे कर दें, पैर हमारे पीछे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, सांस भरेंगे, दोनों पैर दोनों हाथ ऊपर, 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। शुरू में आप 3 सेकंड के लिए भी रुक सकते हैं और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। जितनी देर होल्ड करेंगे उतनी देर सांस नॉर्मली लेते रहेंगे। सामने देखें, सांस भरें, देखिए इसमें तरीका क्या है कि सबसे पहले आप अपने पैरों को थोड़ा उठाएं, फिर हाथों को उठाएं, ठीक है, इससे सही बैलेंस बनेगा। चलिए सांस भरिए, हल्का सा पैरों को पहले उठाइए यहाँ पे, अब इसके बाद थाइस पे वजन डालिए, वजन डालिए और हाथों को उठा दीजिए, वेरी नाइस। 1, 2, 3, 4,
5, सांस भरें और छोड़ें नीचे। वेरी नाइस। चलिए दूसरी बार करते हैं, सांस भरिए ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरें और छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। चलिए तीसरी बार और कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरें और छोड़ें नीचे। वेरी नाइस। इसके बाद अब हम करेंगे धनुरासन। जो लोग धनुरासन नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण से, कमर की वजह से, घुटनों की वजह से, वो लोग करेंगे हाफ फ्रॉग पोज, जो मैं आगे बताऊंगी, पर मैं पहले आपको धनुरासन करके बता देती हूँ। तो अगर आप धनुरासन करते हैं तो वो भी आपको 3 बार करना है। धनुरासन नहीं कर सकते हैं तो आप हाफ फ्रॉग करेंगे। अर्धभीकासन, जो मैं आगे बताऊंगी, उसको भी 3 बार करना है। हर आसन को हम 3-3 बार करेंगे। तो जो धनुरासन है उसके लिए आप ऐसे ही लेटे रहेंगे, पैरों को फोल्ड करेंगे, हाथों की उंगलियों से ये देखिए इस तरीके से एंकल को पकड़ना है। एक बार देख लीजिए ध्यान से और दूसरा भी सामने देखिए। यहां पे रुकेंगे हम 5 सेकंड के लिए, 2, 3, 4, 5, और आ जाए नीचे। बहुत ही अच्छा आसन है। तो ये आपको 3 बार करना है। अब अगर आप धनुरासन नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, हाफ फ्रॉग, जिसके लिए क्या करना है हमें, देखिए इसी तरीके से लेटे रहेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपना जो लेफ्ट लेग है सिर्फ उसको फोल्ड करिए और जो राइट हैंड है उसको अपने चेस्ट के सामने इस तरीके से रख दीजिए। देखिए पहले यहाँ पे आ जाइए और देखिए कि आप कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो क्या जाएगा, वो पीछे हो जाएगा। ये देखिए अपने हाथ से इस तरीके से अपने पैर को दबा लें और सामने देखें। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरें, एक्सहेल। पहले इस हाथ को वापस लेके आए, सहारा ले लें और हल्के से पैरों को नीचे कर दें। तो धनुरासन नहीं कर सकते तो उसका सब्स्टिट्यूट है ये, और उतना ही अच्छा काम करेगा। अब आ जाएंगे नीचे, दूसरे पैर को फोल्ड करें, लेफ्ट हाथ को देखिए इस तरीके से रख लिया मैंने अपने छाती के सामने और छाती ऊपर की तरफ उठी रहेगी अच्छे से। पहले यहाँ पे आ जाए, कंफर्टेबल हो जाए, इसके बाद इस हाथ से ये देखिए इस तरीके से दबाएं और सामने की तरफ फिर होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी आपको 3 बार करना है। नहीं तो धनुरासन कर लें 3 बार, कोई भी एक, चाहे तो दोनों कर लें, जो भी आपको ठीक लगे। इसके बाद हल्के से आके क्रोकोडाइल में थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेंगे। चलिए अब अगला आसन शुरू करते हैं, इसको कहते हैं सेतु बंधासन। पैरों को फोल्ड कर लीजिए, ठीक है, बीच की उंगली जो होती है उससे आप अपनी एड़ी को छू लें, इतना आपको एड़ी को पास लेके आना है कि आप टच कर पाएं। पैरों का जो गैप है वो अपने कंधों से ज़्यादा ना रखें, बहुत ज़्यादा पैरों को ना खोलें या बहुत चिपकाए नहीं, बिल्कुल कंधे के बराबर खोल के इस तरीके से आपको पहले लेटना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सांस भरेंगे और अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, वहाँ पे होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। ऐसा 3 बार हमें करना है, ठीक है, हर आसन को 3-3 बार कर लेंगे। चलिए हथेलियों पे वजन डालें, ठीक है, और हल्के हल्के ये जो एड़ियाँ हैं उस पर प्रेशर बनाते हुए कमर को ऊपर उठा दें, 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरें और छोड़ते हुए नीचे। वेरी नाइस। चलिए 2 बार और, सांस भरिए, 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरिए छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। सांस भरिए, 1, 2, 3,
चार पांच, सांस भरिए और छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद इसका काउंटर पोज कर लेंगे, दोनों पैरों को अपने पास ले आए इस तरीके से, थोड़ा साइड में रोल हो सकते हैं, पैरों को नीचे लेके आए और इसके बाद पैर सीधे आ जाएंगे और आप सीधी तरफ से करवट लेकर के सुखासन में बैठ जाएंगे। तो ये वाले आसन आपको करने हैं लिवर के लिए, और आपको क्रिया करनी है जिसका नाम है कपाल भाति क्रिया। सबसे पावरफुल क्रिया है। अगर आपको आलस आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते, तो बैठ करके 10 से 15 मिनट कपाल भाति ज़रूर करिए। लिवर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। कैसे करना है पूरा फुल वीडियो लिंक में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा मैंने आपको बताया था, मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगी, कुछ ज़रूरी चीज़ें बताऊंगी जिसको आपको करना है अगर आप अपने लिवर को डिटॉक्स करना चाहते हैं। अगर आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, आज से भी शुरू कर देंगे, आप देखिएगा एक हफ्ते बाद आपके लिवर की फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि लिवर बहुत जल्दी हील करता है। अगर आप हेल्दी क्लीन लिवर चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अल्कोहल का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। शराब की जो क्वांटिटी है वो कम करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, तो धीरे धीरे उसे आप काम कम करना शुरू करें। आपके लिवर के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। लिवर सिरोसिस का मेन रीज़न अल्कोहल होता है। दूसरा है कुछ दवाइयाँ, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे इंडिया में जो कॉमन हम पैरासीटामोल बहुत आराम से ले लेते हैं, पेन किलर, किसी भी दवा के ऊपर NSAID लिखा होता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये दवाइयाँ लॉन्ग टर्म में हमारे लिवर के लिए बहुत हार्मफुल है, सेरिडॉन, क्रोसिन। तो हम फटाफट जैसे ही थोड़ा पेन होता है हम इसे ले लेते हैं, एक्चुअली ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ध्यान रखें इन दवाइयों को लेते वक्त, जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करें, कोशिश करें कि इस तरीके की दवाएँ आप OTC यानी कि आप फार्मेसी से जा कर के खुद लेकर के ना खाएँ। साथ में आपको अपने शरीर में ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको इन्फेक्शन ना फैले, तो आप अपनी जो पर्सनल हाइजीन की चीज़ें हैं, जैसे टूथब्रश हो गया, आपका रेज़र हो गया, आपका जो नेल कटर होता है, वो किसी और के साथ शेयर ना करें, किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, क्योंकि संक्रमण के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किसी के साथ आप इंटीमेट होते हैं, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से आप बचें। इसके अलावा अगर आपका जो लिवर है, आपको डॉक्टर ने बोला है कि उसमें प्रॉब्लम है फैटी लिवर की या इन्फेक्शन की, तो आप ग्रीन टी, आंवला और गार्लिक यानी कि लहसुन अपने डाइट में यूज़ करें। ये हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो ये आप कर सकते हैं। साथ में हरी सब्जियां, इस वक्त सर्दियां हैं, तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं, मेथी, पालक और जो साग होते हैं, वो सारे के सारे आप यूज़ करें, विटामिन से भरपूर होते हैं, ये आपके लिवर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो साथ में आप योग करेंगे और ये चीज़ें भी इस्तेमाल करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप हेपेटाइटिस या लिवर सिरोसिस के मरीज हैं, तो अपने खाने में आपको सॉल्ट यानी कि नमक का इंटेक कम कर देना होगा। नॉर्मल भी, मतलब काफ़ी कॉमन है, जो तली भुनी चीज़ें होती हैं और स्पेशली जो डबल फ्राई होती है, जैसे जो बाहर जाते हैं वो एक तेल को इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल करते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। फ्राइड चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन दोबारा तेल में तली हुई चीज़ें डेंजरस होती हैं, स्पेशली फॉर द लिवर, तो उनसे आप बचें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप प्रिकॉशन लेंगे, इसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बट इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग दीज स्मॉल स्टेप्स, आपको लॉन्ग रन में लंबे समय के लिए आपका जो लिवर है, आपका जो जिगर है, वो तंदुरुस्त रहता है। तो ये हो गया योगिक तरीका अपने लिवर को, अपने जिगर को तंदुरुस्त रखने का, उसको स्वस्थ रखने का। आशा करती हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझ आया हो। और अगर कहीं भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है, मुझे लिखें, ईमेल करें, मैं आपको ज़रूर रिवर्ट करूँगी। फिर किसी और अच्छे टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते।